हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी अबोहर। माई सेल्फ मोहित गर्ग, आई वेलकम यू ऑल दी ऑनलाइन लेक्चर। अवर लेक्चर ऑफ टुडे इज नंबर 10th, व्हिच इज फ्रॉम द चैप्टर 3rd, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ क्लास प्लस 1। सो लेट्स स्टार्ट द स्टूडेंट्स अवर लेक्चर टुडे। सी स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंटेंट इन दिस लेक्चर। दे विल स्टडी इन दिस लेक्चर। फर्स्टली आई विल डिस्कस द पार्ट 2, डबल एंगल एंड ट्रिपल एंगल फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन विद एग्जांपल। आज हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की एग्जांपल्स कर रहे हैं, जो कि पार्ट 2 है। कल वाले लेक्चर को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट दिस इज अवर एंटायर कंटेंट ऑफ टुडे व्हिच वी विल डू इन दिस वीडियो। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट दिस स्टूडेंट्स अवर लेक्चर टुडे। फर्स्टली आई विल डिस्कस द एग्जांपल नंबर 11। देखो बेटे सॉल्यूशन क्या कहता है। प्रूव दैट दिस फंक्शन इज इक्वल टू दिस फंक्शन। आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूं। देखो बेटे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 - sin 2x / 1 + sin 2x। ओके बेटे, अब इस क्वेश्चन को बेटे ध्यान से समझना। जब भी आपके पास इस तरीके के फॉर्म आ जाए कि 1 आ जाए और sin 2x आ जाए, या 1 आ जाए या साथ में साइन एक्स आ जाए, ठीक है बेटे, तब आपने क्या करना है बेटे कि 1 को तो आपने लिखोगे कोस के थीटा प्लस साइंस के थीटा। यहाँ पे एंगल क्या है, एक्स है, तो यहाँ पे एक्स लेके चलोगे कि कोस केयर थीटा प्लस साइंस केयर थीटा। इसको ऐसे लिखना है बेटे। इस फॉर्म को आप ध्यान रखना कि ये फॉर्म आपके पास आ जाए, इसको किस तरीके से चेंज करना है, या आपके पास इस तरीके से फॉर्म आ जाए तो इसको किस तरीके से चेंज करना है बेटे। ये आपको बहुत काम आएगा। ये प्लस 1 में है, ये प्लस 2 के अंदर बहुत काम आनी है। इंटीग्रेशन के अंदर आपको बहुत जरूरत पड़ेगी इन चीजों की। तो आप इसको अभी से ध्यान रखो कि जब आपके पास इस तरीके की फॉर्म बने तो आप इसको किस तरीके से चेंज करोगे। तो 1 को आप लिखोगे कोस केयर एक्स प्लस साइंस केयर एक्स, इधर साइन 2x का फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस टू कोस एक्स इंटू साइन एक्स। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे, 1 को चेंज करोगे कोस केयर एक्स प्लस साइंस केयर एक्स प्लस 2 कोस एक्स इंटू साइन एक्स। अगर आपके पास ये वाली फॉर्म हो बेटे, तब इसको किस तरीके से चेंज करोगे। देखो बेटे, इस 1 को लिखोगे ऐसे कोस केयर एक्स बाई 2 प्लस साइंस केयर एक्स बाई 2। ये साइन एक्स को आप लिखोगे 2 कोस एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2, ठीक है बेटे। ये साइन ए का फार्मूला लगाएंगे इधर, 2 कोस ए बाई 2 इंटू साइन ए बाई 2, और 1 को लिखेंगे कोस केयर एक्स बाई 2 प्लस साइंस केयर एक्स बाई 2। ओके बेटे, इसको आपने इस तरीके से चेंज करना है, इसी तरीके से डिनोमिनेटर में चेंज कर लोगे। ओके बेटे, आपने दोनों फॉर्म को ध्यान रखना है। अगर आपके पास 2x एंगल है बेटे, जल्दी आया करो। अगर आपके पास 2x एंगल है तब आपने क्या करना है बेटे, देखो बेटे, जब आपके पास 2x एंगल होगा तब तो एंगल लेना है आपने x, ठीक है बेटे। अगर आपके पास एंगल x है तब आप एंगल लोगे x बाई 2, मतलब उसका हाफ लेके चलना है, ठीक है। 2x है तो उसका हाफ लेंगे, तो x इधर x दिया हुआ है तो इसके लेके चलोगे x बाई 2। अब देखो ऊपर फार्मूला बन रहा है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab किसके इक्वल होता है बेटे, ये a माइनस b का होल स्केयर। तो ये बनेगा cos x माइनस साइन एक्स का होल स्केयर अपॉन में, इसी तरीके से डिनोमिनेटर में आपका फार्मूला बन जाएगा a प्लस b का होल स्केयर। ओके बेटे, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आप क्या करेंगे, दोनों का स्केयर है, इसको मैं कंबाइंड स्केयर करके लिखूंगा। देखो बेटे, देयर फोर आपके पास क्या बनेगा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्केयर। बेटे क्या प्रॉब्लम आ रही है गौरव? गौरव क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटे? ओके बेटे देखो, तो ये आपके पास बनेगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्केयर, ठीक है बेटे। अब मैंने आपको बताया था, जब भी आपके पास ये वाली फॉर्म बने कि कोस ए माइनस साइन ए अपॉन में कोस ए प्लस साइन ए, जब भी आपके पास ये फॉर्म बनती है तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोस ए से डिवाइड करते हैं,
तो आप डिवाइड कर दोगे डिवाइडेड बाय कोस ए इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है बेटे। आप डिवाइड करोगे तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा कोस एक्स अपॉन में कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में करोगे कोस एक्स अपॉन में कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 1 माइनस टेन एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। तो मैंने आपको स्टूडेंट फार्मूला बताया था ये वाला कि 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, ये किसका फार्मूला था बेटे, टेन 45 प्लस थीटा का। ओके बेटे, ये किसका फार्मूला होता है, टेन 45 ऊपर माइनस है तो माइनस थीटा का फार्मूला होगा, तो इसे लिख देते हैं टेन 45 को मैं लिख रहा हूँ पाई बाय 4 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू इधर क्या है एक्स है ओ का होल स्क्वायर, ठीक है बेटे। अब इस स्क्वायर को मैं दूसरी तरीके से लिखता हूँ, इसको इस तरीके से लिख लो टेन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स, यही आपके पास क्या है राइट हैंड साइड है, तो ये आपने क्या कर दिया हैंस प्रूफ। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। आइए एक बार रिपीट करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन था आपके पास, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चला, ये जो फॉर्म है बेटे इस फॉर्म को आपने कैसे चेंज करना है, वन को लिखोगे कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर साइन टू एक्स को लिखोगे टू कोस एक्स इंटू साइन एक्स, इसी तरीके से डिनोमिनेटर में चेंज कर दिया, तो ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये किसका फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐसे डिनोमिनेटर में फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ये फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका कंबाइंड होल स्क्वायर करके चलेंगे, तो उसका माइंड स्क्वायर करके चलेंगे, तो ये लिख दिया। जब आपके पास ये फॉर्म बनती हो ये वाली, तो आप करना क्या होता है कोस ए से डिवाइड करना होता है न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो मैंने कोस एक्स से डिवाइड कर दिया, ठीक है बेटे, कोस एक्स से डिवाइड कर दोगे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो ये कैंसिल हो जाएगा टेन की फॉर्म में बन जाएगा, तो 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, वो किसके इक्वल होता है टेन 45 माइनस थीटा के, तो इसको होल स्क्वायर था, इसको को मैं लिख दिया टेन स्क्वायर, यही आपने क्या करना था प्रूफ, इस तरीके से आपने क्वेश्चन को करना है प्रूफ। ओके बेटे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल नंबर 12। देखो बेटे सॉल्यूशन, इसके चार पार्ट है, चारों पार्ट करेंगे वन बाय वन। देखो फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या कहता है कि साइन 4a इज इक्वल टू, आपने ये प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ बेटे, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास वैल्यू क्या है साइन 4a, ठीक है बेटे। अब देखो इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा साइन 4a को, तो इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ साइन 2 इंटू 2a। ओके बेटे, इसको एक बार थीटा मान लो, तो साइन 2 थीटा क्या फॉर्मूला होता है बेटे, साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, थीटा की वैल्यू इधर क्या है 2a, तो मैं इधर लिख रहा हूँ 2 साइन 2a इंटू कोस 2a। ओके बेटे, इधर मैंने साइन 2 थीटा का फार्मूला यूज किया, अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटे, अब साइन 2a का फार्मूला यूज करूंगा और कोस 2a का भी फार्मूला यूज करूंगा। देखो 2 ऐसा कैसे ही, साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन a इंटू कोस a, फिर कोस 2a का फार्मूला कर रहा हूँ बेटे, इसको फर्स्ट फार्मूला यूज कर रहा हूँ कोस 2a का, क्या फार्मूला होता है फर्स्ट फार्मूला कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, चार फार्मूले बताए थे मैंने आपको कोस 2a के, उसका फर्स्ट फार्मूला है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इन सभी के ब्रैकेट्स को खोल लेंगे, जो प्रूव करना है वो आपके पास क्या हो जाएगा प्रूव। देखो बेटे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या बनेगा 2 इंटू 2 4 साइन ए, अब कोस ए को कोस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा कोस क्यूब ए, फिर माइनस 4 साइन ए को साइन स्क्वायर से करोगे 4 साइन क्यूब ए इंटू में कोस ए। देखो यही आपके पास क्या है राइट हैंड साइड है 4 साइन ए कोस क्यूब ए माइनस 4 कोस ए साइन क्यूब ए, देखो यही हमने इधर बना दिया, तो आपके पास क्या हो गया ये इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूफ। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है कोस 4x और इसको इसके इक्वल प्रूव करना है 1 माइनस 8 साइन स्केयर एक्स इंटू कोस स्केयर एक्स, तो कोस 4x को लेके चलेंगे, तो लेकर चलेंगे नाउ सेकेंड पार्ट लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास वैल्यू क्या है कोस 4x, ठीक है बेटे। अब देखो इसको भी मैं इसी तरीके से चेंज लिख करूंगा कि कोस 2 इंटू 2x, ठीक है बेटे, तो कोस 2 इंटू 2x का फार्मूला लगाएंगे साइन वाला, क्या फार्मूला होता है साइन वाला कि 1 माइनस
टू साइन स्क्वायर थीटा, इधर थीटा की वैल्यू क्या आपके पास 2x, तो इधर लिखेंगे साइन स्क्वायर 2x। ठीक है बेटे, अब क्या करना है बेटे आपने, ये साइन स्क्वायर 2x का मतलब क्या होता है कि 1 माइनस 2 साइन 2x का होल स्क्वायर, ये साइन 2x का स्क्वायर है, साइन स्क्वायर का मतलब साइन 2x का होल स्क्वायर। अब साइन 2x का फार्मूला लगा दो, क्या फार्मूला होता है 1 माइनस 2 2 साइन x इंटू कोस x का होल स्क्वायर। अब इसकी ब्रैकेट्स को ओपन करोगे तो आपके पास क्या बनेगा 1 माइनस 2 इंटू में इसको मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 4 साइन स्क्वायर x इंटू में कोस स्क्वायर x। अब इसको 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या बन गया 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x इंटू में कोस स्क्वायर x। यही आपके पास क्या है राइट हैंड साइड है, ये आपने क्या कर दिया हैंस प्रूफ। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना, ऐसे इसका थर्ड पार्ट है, ऐसे इसका फोर्थ पार्ट है। देखो बेटे थर्ड पार्ट में अब आपका एंगल आ गया कोस 5x, अब कोस 5x को कैसे चेंज करेंगे, देखो बेटे इसको तरीके क्या है करने का, अब इस थर्ड पार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ कोस 5x और इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। देखो बेटे थर्ड पार्ट करते हैं, आगे बस लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बेटे कोस 5x। ठीक बेटे, आप इसको मैं लिख तो नहीं सकता 2 की फॉर्म के अंदर, बट इसके अंदर मैं क्या करता हूँ प्लस कोस एक्स कर देता हूँ और माइनस कोस एक्स कर देता हूँ। ठीक है बेटे, ये अपनी तरफ से कर दिया तो अब इधर फार्मूला लगेगा कोस सी प्लस कोस डी का, कोस सी प्लस कोस डी का फार्मूला यूज करेंगे। क्या फार्मूला होता है बेटे कोस सी प्लस कोस डी का, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 फाइव एक्स प्लस एक्स बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। ओके बेटे, ये फार्मूला होता है माइनस का कोस एक्स ऐसा का ऐसी। अब इसको सोल्व करो तो 5x प्लस x 6x, 6x बाय 2 कितना हो जाएगा 3x, ये बनेगा 2 कोस 3x इंटू में ये बनेगा 4x बाय 2 मतलब कोस 2x माइनस का कोस एक्स ऐसा का ऐसी। ठीक है बेटे, अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा कोस 3x का फार्मूला भी यूज करूंगा और कोस 2x का फार्मूला भी यूज करूंगा। ठीक है बेटे, तो देखो कोस 3x का फार्मूला क्या होता है आपके पास 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, ये cos 3x का फार्मूला होता है और cos 2x का फार्मूला यूज करेंगे। देखो आपके पास राइट हैंड साइड के अंदर वैल्यू क्या है, सभी के अंदर cos है, देखो आपको सभी में cos चाहिए तो आपने cos 2x का जो फार्मूला लगाओगे यहाँ पे cos वाला लगाओगे, तो cos वाला जो कौन सा फार्मूला आपके पास 2 cos स्क्र x माइनस 1। ओके बेटे, ये cos 3x का फार्मूला लगाया और ये किसका फार्मूला लगाया cos 2x का, और ये माइनस का कोस एक्स ऐसा का ऐसी रखेंगे। ओके बेटे, अब इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे फिर जो आपने प्रूव करना है वो आपके पास क्या हो जाएगा प्रूव। देखो बेटे अब इसको सोल्व करते हैं तो 8 कोस क्यूब एक्स को 2 कोस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 8 इंटू 2 16, कोस क्यूब एक्स को कोस स्क्वायर से करोगे तो बनेगा कोस की पावर 5x, फिर माइनस 2 इंटू 3 6 कोस एक्स, 6 कोस एक्स को इससे करोगे माइनस 1 से तो ये हो जाएगा प्लस का 6 cos x। ठीक है बेटे, फिर माइनस, फिर 8 cos क्यूब एक्स को माइनस से करोगे तो बनेगा 8 cos क्यूब एक्स, फिर इसको करोगे माइनस 6 cos x को से तो ये बनेगा माइनस का 12 cos क्यूब एक्स, और ये माइनस का cos x ऐसा का ऐसी। अब देखो आपके पास टर्म कौन कौन सी है, 16 cos की पावर 5x माइनस, देखो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस 12 8 क्यूब एक्स और माइनस 8 क्यूब 8 कोस क्यूब एक्स, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 20 कोस क्यूब एक्स, क्योंकि माइनस 12 माइनस 8 कितना होता है माइनस 20। अब ये प्लस का 6 और ये माइनस का कोस, मतलब प्लस 6 कोस एक्स माइनस कोस एक्स, ये बनेगा प्लस का 5 कोस एक्स। यही आपके पास क्या है राइट हैंड साइड है और ये आपने कर दिया हैंस प्रूव। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है बेटे। ओके आइए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ नंबर पार्ट। फोर्थ नंबर पार्ट में आपके पास क्या है कोस 6x और ये भी सारी जो टर्म्स हैं वो कोस के अंदर है। ठीक है बेटे, तो आप लेके चलते हैं फोर्थ पार्ट के अंदर कोस 6x। देखो बेटे थर्ड पार्ट लास्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट लेफ्ट हैंड साइड। देखो बेटे आपके पास क्या है कोस 6x। अब देखो बेटे कोस 6x को किस तरीके से चेंज कर रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ कोस 2 इंटू 3x, लिख सकते हैं बेटे 6x को 2 इंटू 3x, 3x को आप एक बार थीटा लेट कर लो तो कोस 2 थीटा का फॉर्म लगाना है कोस वाला,
देखो बेटे कोस वाला क्या फॉर्म होता है, टू कोस स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है थ्री एक्स माइनस वन। ओके बेटे अब इसको लिख लेंगे कोस स्क्वायर थ्री एक्स को इस तरीके से, कोस थ्री एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन। अब कोस थ्री एक्स का फार्मूला यूज करेंगे, क्या फार्मूला होता है कोस थ्री एक्स का, फोर कोस क्यूब एक्स माइनस थ्री कोस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन, ऐसा का ऐसी। अब इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओ, क्या फार्मूला होता है a माइनस बी का, ए स्क्वायर, ये बनेगा 16 कोस की पावर 6x प्लस 3 कोस x का स्क्वायर करोगे तो बनेगा 9 कोस स्क्वायर x माइनस 2ab, तो मतलब 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 3 3 24 कोस की क्यूब इंटू कोस, ये बनेगा कोस की पावर 4x माइनस का 1, ऐसे कैसे। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा 32 कोस की पावर 6x प्लस 9 इंटू 2 18 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 48 कोस की पावर 4x माइनस 1, यही आपके पास क्या है राइट हैंड साइड है। इस तरीके से आपने क्वेश्चन का कर दिया प्रूव कर दिया। तो ये थे चारों पार्ट जो आपने मेरे साथ डिस्कस किए एग्जांपल नंबर 12 के। ओके बेटे तो देखिए बेटे अगर आपको डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हैं, चारों पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट थे तो मैंने चारों पार्ट आपको सोल्व करवा दिए। आइए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बेटे एग्जाम्पल नंबर 13, दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, 2 मार्क्स क्वेश्चन। ओके बेटे देखो बेटे इसका सोल्यूशन ध्यान सुन देना बेटे, ये अच्छा क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए। आपको दिया हुआ है 2 कोस थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 कोस 4 थीटा। तो मैं राइट हैंड साइड लेके चलता हूँ बेटे, राइट हैंड साइड के अंदर वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। देखो इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेता हूँ, तब मेरे पास क्या बनेगा 1 प्लस कोस 4 थीटा। ठीक है बेटे इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया तो मेरे पास ये बनेगा 2 इंटू में 1 प्लस कोस 4 थीटा। आपको पता है कि 1 प्लस कोस 2a किसके इक्वल होता है, 2 कोस स्क्वायर a के इक्वल होता है। ठीक है बेटे अब देखो इधर क्या है 4 थीटा है, तो 4 थीटा है इधर 2 a एंगल है तो इधर एंगल ये है, अगर 4 थीटा है इसका हाफ कर दो तो कितना बनेगा 2, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू में इस पूरे की वैल्यू क्या बनेगी। देखो इधर एंगल 2a था तो इधर एंगल a है, इधर 4 थीटा है तो इधर एंगल क्या लेंगे 2 थीटा, तो बनेगा 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा। ठीक बेटे इसको मल्टीप्लाई कर दो या स्केयर रूट सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू बनेगी स्केयर रूट ऑफ 2 प्लस ये 2 इंटू 2 4, 4 का स्केयर रूट क्या होता है 2, ये कोस स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा कैंसल, तो बनेगा 2 कोस 2 थीटा। अब इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेना तो आपके पास 2 कॉमन आ जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा। अभी बताया कोस 2 थीटा किसके इक्वल होता है 2 कोस के थीटा के, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 कोस के थीटा। ठीक है बेटे अब इसको सोल्व कर दो तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर बन गया, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा ये बनेगा इसको लिख देंगे 4 कोस स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब क्या गया 4 का स्क्वायर 2, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा कोस थीटा, यही आपके पास क्या थी बेटे देखो 2 कोस थीटा। तो ये आपने क्या कर दिया प्रूव इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हैंस प्रूव। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है, बस आपने फार्मूला यूज करना था कि 1 प्लस कोस 2 थीटा जो होता है वो 2 कोस के थीटा के इक्वल होता है, इधर एंगल 2a था तो इधर एंगल हाफ लेना होता है, इधर 4 थीटा था तो मैंने इधर एंगल ले लिया 2 थीटा, फिर मैंने स्क्वायर रूट को सोल्व कर दिया तो मेरे पास ये वैल्यू नहीं, फिर इसमें से कॉमन आया 2, फिर 1 फिर फार्मूला बन गया 1 प्लस कोस 2 थीटा का वो लगा दिया 2 कोस स्क्वायर थीटा, फिर इसका स्क्वायर रूट सोल्व कर दिया, जो आपने प्रूव करना था वो आपके पास क्या हो गया प्रूव। ठीक है बेटे ये था आपके पास एग्जांपल नंबर 13 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय 4 मार्क्स, ये 4 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। देखो बेटे सॉल्यूशन अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, कहता है कि tan 4x को इसके इक्वल प्रूव करना है, तो मैं tan 4x के लेके चलता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan 4x, देखो 4x को इस तरीके से चेंज कर रहा हूँ tan 2 इंटू 2x। अब आप फार्मूला लगाओगे tan 2 थीटा का, क्या फार्मूला होता है tan 2 थीटा का,
टू टैन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 2x है, अपॉन में 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 2x है। ठीक है बेटे, अब क्या करेंगे, इधर फिर फार्मूला यूज करेंगे tan 2x का, इधर भी tan 2x का। ओके बेटे, तो आपके पास क्या वैल्यू बनेगी, देखो 2x है कैसी, इस tan 2x का फार्मूला लगाएंगे फिर 2 tan x अपॉन में 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स, ये tan 2x का फार्मूला लगाया। इसी तरीके से डिनोमीटर में फार्मूला लगाएंगे कि 2 tan x अपॉन में 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ओके बेटे, अब क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो ये देखो क्या बनेगा, ये बनेगा 4 tan x अपॉन में 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स अपॉन में, इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आके पास क्या बनेगा 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 टैन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बेटे, ये आपके पास टर्म बन गई। अब इसको सोल्व करते हैं, इसको ध्यान से सोल्व करना बेटे, देखो आपके पास क्या बनेगा, ये 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स से ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म ऊपर चल जाएगी, तो आपके पास क्या बनेगा 4 tan x, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स अपॉन में आपके पास क्या है, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इधर फार्मूला लगा दो a माइनस बी का होल स्क्वायर का, क्या फॉर्मूला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है बेटे, और इसको सोल्व कर दो, माइनस का 2 का स्क्वायर 4 tan x का स्क्वायर माइनस का 4 tan x स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं, तो देखो आपके पास क्या टर्म बनेगी, 4 tan x इंटू में 1 माइनस टैन स्क्वायर x अपॉन में, ये बन गया आपके पास 1 प्लस tan की पावर 4x, देखो ये माइनस 2 ये माइनस 4, ये कितना हो जाएगा माइनस का 6 tan की पावर 2x, ये आपके पास क्या है राइट हैंड साइड है, ये आपने कर दिया हैंड्स प्रो। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके बेटे, देखो यही आपके पास राइट हैंड साइड थी, तो आपने जो प्रूफ करनी थी वो आपके पास क्या होगी प्रूफ, मैंने क्या किया बेटे tan 4x को इस तरीके से लिखा 2 इंटू 2x, 2x को थीटा सेट कर लिया, तो tan 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो इधर एंगल फिर 2x बन गया, इधर फिर फार्मूला लगाऊंगा tan 2x का ऊपर भी और नीचे भी, इधर ही फार्मूला लगाया इधर ही फार्मूला लगाया, इसको सोल्व किया, फिर मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके सोल्व करने पर मेरे पास जो टर्म बनी इनको प्लस कर दिया, जो प्लस करने पर मेरे पास टर्म बनी है यही आपके पास क्या है राइट हैंड साइड है। ओके बेटे, ये था एग्जांपल नंबर 14 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। ओके बेटे, आइए अब नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट नंबर एग्जांपल नंबर 15। देखो बेटे, ये क्वेश्चन भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाय टू मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो बेटे, इसका सोल्यूशन कहता है प्रूव दैट दिस फंक्शन इक्वल टू 3/2, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते बेटे, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू ये आपके पास दी हुई है, अब इसको सोल्व करते हैं। देखो बेटे क्या करना है, कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाय 3 प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाय 3, ये आपके पास दी हुई है स्टेटमेंट। तो मैं बेटे क्या कर रहा हूँ, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे फार्मूला बन जाएगा, देखो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सभी को और 2 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। देखो 2 कोस के रेक्स, मैंने आपको फार्मूला बताया था 2 कोस के रेक्स किसके इक्वल होता है, 2 कोस के रेक्स 1 प्लस कोस 2x के इक्वल होता है। ओके बेटे, 2 कोस के रेक्स किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कोस 2x के इक्वल होता है। इसी तरीके से 2 कोस स्क्वायर, इसको थीटा मान लो, तो इसको कैसे लिखोगे, 1 प्लस कोस 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है x प्लस पाई बाय 3। ओके बेटे, इसी तरीके से इसको चेंज करोगे, कैसे लिखोगे, 1 प्लस कोस 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है x माइनस पाई बाय 3। ओके बेटे, इस सभी को मैंने फार्मूला यूज कर दिया, कौन सा फार्मूला यूज किया है, कि 1 प्लस कोस 2 थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 2 कोस स्क्वायर एक्स के,
तो टू कोस स्क्वायर एक्स की जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दी दोनों तरफ, ठीक है बेटे। अभी तो सोल्व करते हैं, देखो सोल्व करने पर आपके पास क्या स्टेटमेंट बनेगी कि देखो 1 बाई टू ऐसा कैसी, ध्यान समझना बेटे, 1 प्लस कोस टू एक्स उसको भी इस तरीके से लिखो प्लस ये 1 ऐसा कैसी। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा कोस टू एक्स प्लस 2 पाई बाई 3, ये बनेगा कोस 2x प्लस 2 पाई बाई 3, ठीक है बेटे। फिर प्लस ये 1 ऐसा कैसी, फिर प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो बनेगा कोस 2x माइनस 2 पाई बाई 3, ओके बेटे। ये ऐसे का ऐसी, अब देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 3, ये बनेगा 1 बाई 2, ये बनेगा 3 प्लस कोस x कोस 2x, देखो इधर 2x था गलती से x लिख दिया, कोस 2x प्लस ये दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं कि कोस 2x प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस कोस 2x माइनस 2 पाई बाई 3, ओके बेटे। ये आपके पास कंबाइन कर दिया। अब देखो ये फार्मूला बन रहा है कि कोस a प्लस बी, ये फार्मूला बन जाएगा कोस a प्लस बी प्लस कोस a माइनस बी, किसके इक्वल होता है बेटे, कोस a प्लस बी इन प्लस कोस a माइनस बी, ये किसके इक्वल होता है बेटे, 2 कोस a इंटू कोस b के, ये फार्मूला होता है बेटे। तो ये वाला फार्मूला यूज करूंगा कि कोस a प्लस बी प्लस कोस a माइनस बी किसके इक्वल होता है, 2 कोस a इंटू कोस b के, ओके बेटे। तो देखो क्या बनेगा आपके पास, 1 बाई टू ऐसा कैसी ब्रैकेट्स में 3 प्लस कोस 2x, तो इसकी जगह पे वैल्यू बनेगी कोस a प्लस बी प्लस कोस a माइनस बी का 2 कोस a कोस b, a की वैल्यू 2x है, b की वैल्यू 2 पाई बाई 3 है, तो बनेगा 2 कोस 2x, 2 कोस 2x इंटू कोस 2 पाई बाई 3, ओके बेटे। अब देखो कोस 2 पाई बाई 3 की वैल्यू निकाल लेता हूँ साइड पे, कोस 2 पाई पाई बाई 3 इसको कैसे चेंज करोगे, कोस ऐसा कैसी पाई बाय 3 है, तो पाई बाय 3 तो आप साइड पे लिखोगे, यहाँ पे मैं लगाता हूँ पाई, एलसीएम लोगे 3 पाई बनेगा, तो मुझे बनाना है 2 पाई, तो माइनस करना पड़ेगा 1 पाई, तो 180 में कुछ माइनस कर रहे हैं, कोस कौन से क्वार्टर में लाइक करेगा, सेकंड क्वार्टर में, सेकंड वन में कोस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, तो बनेगा कोस पाई बाय 3, कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाय 2, तो माइनस का 1 बाय 2 बनेगा, तो कोस 2 पाई बाय 3 की जो वैल्यू होगी वो आपके पास कितनी है, माइनस 1 बाय 2, इधर पुट कर देते हैं तो आपके पास देखो क्या बनेगा, 1 बाई 2 3 प्लस कोस 2x प्लस 2 कोस 2x, इसकी वैल्यू आपने क्या फाइंड करी है, माइनस का 1 बाई 2, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसल, तो आपके पास क्या वैल्यू बनेगी, 1 बाई 2 प्लस इंटू में 3 प्लस कोस 2x माइनस का कोस 2x, ये माइनस कैसे बना, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, ये प्लस माइनस क्या हो गया कैंसल, तो आपके पास क्या टर्म बची है 3 बाई 2, यही आपके पास क्या है राइट हैंड साइड, तो ये आपने क्या कर दिया हैंड प्रूव। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है, ओके बेटे। ये क्वेश्चन था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। देखो बेटे इस क्वेश्चन को मैं रिपीट करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ सकता है और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में भी आ सकता है, दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं 2 मार्क्स में भी और 4 मार्क्स में भी। देखो कैसे करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड दी हुई थी, मैंने क्या किया सभी टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। अब 2 कोस स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है बेटे, वो क्या फार्मूला होता है, 1 प्लस कोस 2x, इधर भी मैंने फार्मूला लगाया 1 प्लस कोस 2x और इधर भी फार्मूला लगाया 2 कोस स्क्वायर एक्स का 1 प्लस कोस 2x, इधर x की वैल्यू क्या थी x माइनस पाई बाई 3, इधर x की वैल्यू क्या थी x प्लस पाई बाई 3, हम इन सभी को प्लस कर दिया और इन दोनों ब्रैकेट्स को मैंने क्या कर दिया इकट्ठा करके लिख दिया, इधर आपके पास फार्मूला बन गया कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, 2 कोस ए कोस बी के इक्वल होता है, तो इधर फार्मूला यूज करते हुए फिर मैंने क्या किया ये फार्मूला लगाया, इधर मैंने कोस 2 पाई बाई 3, कोस 2 पाई बाई 3 की वैल्यू को मैंने फाइंड किया, ये मना माइनस का 1 बाई 2, इधर पुट किया और सोल्व किया क्वेश्चन को, जो आपने प्रूव करना था वो आपके पास आ गया आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना था। ये था एग्जांपल नंबर 15 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया, तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के लिए। ओके स्टूडेंट, तो सुनिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।